हाँ जी, I'm coming. You check please. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, nice to meet you. फिर मिलेंगे बिल्कुल. राम राम जी सारे ने भाई. अभी फिलहाल हम आए हैं यहाँ पे गो कलर में, और इसके बाद हमें जाना है पैसिफिक मॉल, क्योंकि यहाँ से अभी भाई उज़्बेकिस्तान निकलने से पहले हमें थोड़ा कुछ सामान चाहिए, तो वो हम कलेक्ट कर रहे हैं कई दिनों से. बस जी, बस जी. एक्चुअली भाई अभी हमें देखने हैं शूज जो कि स्नो के लिए और विंटर के लिए यूज़फुल होते हैं, तो वो देखने हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं शूज़ लेके गया था वो कामयाब नहीं हुए थे वहाँ पे. भाई शोर बहुत ज़्यादा होता है, तो जो लास्ट टाइम जो शूज़ लेके गया था ना भाई, वो कामयाब नहीं हुए थे. तो यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे आर्मी की शॉप है, वहाँ पे मिल सकते हैं जो स्नो के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं. अभी अगर वहाँ नहीं मिलते हैं तो फिर पैसिफिक मॉल में देखना पड़ेगा भाई वहाँ पे. दिस काइंड ऑफ शूज पॉसिबल? ओके कम. यू आस्किंग दिस वन? जस्ट कलर चेक. एक्चुअली भाई ऐसा हुआ कि हम सभी जगह देख रहे हैं शूज़ जो स्नो के लिए और ट्रैकिंग के लिए दोनों के लिए हों, पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो सेटिंग प्रॉपरली से नहीं बैठ रहे. जो पंजा है ना वो टाइट रहता है भाई, और जब आप लॉन्ग रूट पे चलते हो तो डेली लाइफ में वो बिल्कुल कम्फर्ट नहीं रहते. तो इसी वजह से हम एक और रह गए, अब जो आर्मी के लिए यूज़ किए जाते हैं वो वाले शूज़ और देखने हैं भाई. अगर वहाँ पे कंफर्ट बैठते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो फिर भाई मुझे यूँ है कि रसिया ही लेने पड़ेंगे जो शूज़ वगैरह हैं सब कुछ, क्योंकि भाई शूज़ वहाँ पे सबसे महंगे मिलते हैं भाई. करीबन 13-14 हज़ार 15 हज़ार से स्टार्टिंग है भाई शूज़ वहाँ पे, जो स्नो के लिए और जो विंटर के लिए हैं. तो इसलिए मैं यूँ सोच रहा था कि भाई यहाँ पे ही अगर मिल जाए सबसे बेस्ट है, नहीं तो फिर हमें लेना पड़ेगा. अभी फ़िलहाल भाई हम यहाँ पर थोड़ा खाने पीने के लिए बैठे हैं यहाँ पे. द सर्विस हियर इज ऑफुल. व्हाट हैपेंड एक्चुअली? नथिंग हैपेंड, दे जस्ट मिस यू डू एवरीथिंग. सासा पहली बार लेने के लिए गई थी और सासा के साथ आधे घंटे से खड़ी है वहाँ पे. लाइक व्हाट दिस दिस इज एटलीस्ट यू लिटिल बिट रिस्पेक्ट डू फॉर योर जॉब एंड फॉर माय फूड. कि भाई हमेशा मैं ही लेने के लिए जाता हूँ, आज है ना सासा लेने के लिए गई थी आज पहली बार. तो वहाँ पे इसको पता चला कि कितना वेट करना पड़ता है. यू नो नाउ हाउ मच आई एम वेटिंग देयर एवरी टाइम. एंड देन यू दे गर्ल्स जस्ट टॉकिंग, दे ब्ला 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 डू, दे डोंट डू देयर जॉब, दे सी वन ऑर्डर इनकम्प्लीट है एंड दे स्टैंड इन एंड ब्ला ब्ला डू. हाँ जी, I'm coming. You check please. Guys, we found best shoes in the area. Finally, भाई मिल गए हमें शूज, अच्छे वाले मिल गए भाई. अब की बार ओके वो दो क्यू आर दो मैंने शो में स्टोर आल्सो शो मी आल्सो प्लीज कम एंड विजिट आवर स्टोर. इट्स इन देहरादून. And by the name of Mahadev Army Store, you can get anything required, anything you need related army or trekking purpose, anything. So भाई यहाँ पे है ना आर्मी से रिलेटेड जितने भी स्टाफ होते हैं ना वो बेचते हैं. तो जो अगर सिविलियन हैं जैसे मेरे जैसे हैं, तो भाई जो चीज़ देने लायक है वो दे सकता है वो भाई आर्मी यूनिफॉर्म नहीं दे सकते. वो जो चीज़ें हैं जो आर्मी की वो नहीं दे सकते. तो आप सोच समझ गया ना कि भाई जो चीज़ें आपको मिल सकती हैं वो भाई आपको दे सकता है. ओके फाइनली भाई
भाई ने हमें बेस्ट शूज़ दे दिए हैं और अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं और अभी जो है अभी घर जाना है क्योंकि बारिश होने वाली है थोड़ी देर में, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि अगर बारिश होगी ना फिर गिल्ले हो जाएंगे दोबारा से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, फिर मिलेंगे। बिल्कुल इसी बात का डर था भाई, बारिश होगी और अब है ना यूँ है कि भीग जाएंगे भाई पूरा रास्ता। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे, ठीक है। ओके ठीक हो। अभी भाई घर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे देखो भाई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देहरादून, अमेजिंग प्लेस लग रहा है भाई बारिश के बाद। ये लोग है ना ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो भाई। अभी फ़िलहाल हम घर पहुंच गए हैं और यहाँ से भाई अभी दुरुद के सामान ख़रीदने हैं, एक तो यहाँ पे फल फ्रूट लेने हैं और उसके बाद भाई इसके लिए दूध लेना है क्योंकि इसको कॉफ़ी पीनी है और मेरे लिए दही चाहिए भाई, अभी रोटियों के साथ दही खाएंगे। उसके लिए मैंने अभी ले लिया है सामान, तो भाई अभी घर चलते हैं। यहाँ पर बारिश का कोई मौसम नहीं है, देहरादून में बारिश हो रही थी तो अभी तो फ़िलहाल यही है भाई। और प्रिपरेशन जो है नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मैंने उसका रशियन वीज़ा का अप्लाई किया था, सब कुछ वो प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सारे राम राम, सारे खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो। राम राम जी, सारा राम राम जी।